वेलकम क्लास। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल एक्सिस ऑफ थियोडोलाइट और उसके रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्विक समरी या देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि थियोडोलाइट क्या होता है, थियोडोलाइट सर्वेइंग क्यों करते हैं, क्या उसकी ज़रूरत पड़ी, नेक्स्ट क्या क्या उसके टर्म्स थे ये देख लिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि कितने टाइप्स के थियोडोलाइट होते हैं, क्या क्या उसके स्पेसिफिकेशन होते हैं, कैसे हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल एक्सेस ऑफ थियोडोलाइट एंड रिलेशनशिप। कौन कौन से फंडामेंटल एक्सेस हमारे थियोडोलाइट में होते हैं, तो जैसा आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, बेसिकली हमारे पास दो एक्सेस होती है। एक होती है वर्टिकल एक्सेस, ठीक है, और एक होती है हमारी हॉरिजेंटल एक्सिस, ठीक है। एक हमारी होती है वर्टिकल एक्सिस और एक होती है हॉरिजेंटल एक्सिस। इन्हीं दो एक्सिस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। और इन्हीं की एक्सिस पे हमारे क्या होते हैं, दो सर्कल फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक जो होता है वो होता है वर्टिकल सर्कल और एक होता है हमारा हॉरिजेंटल सर्कल, ठीक है। एक क्या होता है हमारा वर्टिकल सर्कल और एक होता है हमारा हॉरिजेंटल सर्कल, ठीक है। तो जो सर्कल्स होते हैं उन्हीं के मेजरमेंट्स या उन्हीं की वैल्यूज में हम लोग क्या करते हैं, एंगल फॉर्म करते हैं, या फिर पर्टिकुलर जैसे अगर सपोज हमको वर्टिकल एंगल फाइंड करना है तो वर्टिकल एंगल का जो भी मेजरमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, वर्टिकल सर्कल के केस में होगा। और वर्टिकल सर्कल किसके पास होगा, वो आपका हॉरिजेंटल एक्सिस में पाया जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखिए ये हॉरिजेंटल एक्सिस है और इस पर्टिकुलर एक्सिस पे हमारा क्या है, वर्टिकल सर्कल लाई कर रहा है, ठीक है। और यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट करेंगे। सिमिलरली उसी तरह हम क्या करेंगे कि हमारा जो हॉरिजेंटल सर्कल होगा वो हमारे वर्टिकल एक्सिस से क्रॉस करता है और इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजेंटल एंगल का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे हॉरिजेंटल एक्सिस, हमारे फंडामेंटल एक्सिस थे थियोडोलाइट की और उनके बीच का रिलेशन। तो रिलेशन से यहाँ सेंस ये है कि हॉरिजेंटल एक्सिस पे हम लोग वर्टिकल एंगल को मेजर करते हैं और वर्टिकल एक्सिस पे हम लोग हॉरिजेंटल एंगल का मेजरमेंट करते हैं। हमारी जो वर्टिकल सर्किल होती है वो हॉरिजेंटल एक्सिस पे लाई करती है और जो हमारी हॉरिजेंटल सर्किल होती है वो वर्टिकल एक्सिस पे लाई करती है, ठीक है। तो ये हमारी चीजें थी, ये हमारे रिलेशनशिप थे, ठीक है। अब सिमिलरली हमारे पास आता क्या है कि हमारे पास आता है टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप, ठीक है। तो अब देखिए टेलीस्कोप में दो चीजें सभी को पता होंगी, एक आईपीस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो आईपीस से हम लोग क्या करते हैं, साइट करते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के चीजों को फोकस करके हमारे पास रीडिंग्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली चीजें थी आप थियोडोलाइट में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा या टॉपिक होगा वो है एडजस्टमेंट ऑफ ए थियोडोलाइट, ठीक है। हम लोग थियोडोलाइट का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट, ठीक है। तो बेसिकली जो एडजस्टमेंट होता है थियोडोलाइट का, एक टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट होता है और एक परमानेंट एडजस्टमेंट होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट क्या होता है और कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट, द टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट्स आर मेड एट ईच सेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बिफोर वी स्टार्ट टेकिंग ऑब्जर्वेशन विद द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट क्या होता है कि वो एडजस्टमेंट जब हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर रहे हैं और उसके बाद जब रीडिंग लेने से पहले हम उसको चेक करते हैं कि क्या वो रीडिंग लेने के लिए हमारे अवेलेबल है कि नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट अच्छे से फिक्स है कि नहीं है, ठीक है। तो वो जितने भी एडजस्टमेंट्स हम लोग करते हैं ऑब्जर्वेशन या रीडिंग लेने से पहले, वो हमारे सारे एडजस्टमेंट्स क्या कहलाते हैं, टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देयर आर थ्री टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट ऑफ ए थियोडोलाइट, ठीक है। बेसिकली आपके तीन टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट्स होते हैं थियोडोलाइट के। पहला है क्या, सेटिंग अप एंड सेंटरिंग, ठीक है। द फर्स्ट इज सेटिंग अप एंड सेंटरिंग, पहला जो है वो क्या है, सेटिंग अप एंड सेंटरिंग। तो सेटिंग अप एंड सेंटरिंग, सेटिंग अप का मतलब कि जो थियोडोलाइट मशीन है, ठीक है, दो टर्म्स हैं, एक है सेटिंग अप और एक है सेंटरिंग। तो पहले हम लोग सेटिंग अप को समझते हैं। तो सेटिंग अप का मतलब कि जो थियोडोलाइट है उसको हम लोग ट्राइपॉड पे अटैच कैसे करेंगे, ठीक है। मतलब ट्राइपॉड है हमारे पास और हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट या एक एसेसरीज है ट्राइपॉड, एक एसेसरीज है हमारे पास थियोडोलाइट। तो उसको हम लोग कैसे अपना
बेसिकली सेट करेंगे। तो होता क्या है कि कंपोनेंट्स होते हैं ट्राइबैश और ट्रेवेट, ठीक है, दो कंपोनेंट्स होते हैं, ट्राइबैश होता है एक ट्रेवेट। तो उस कंपोनेंट को हम लोग क्या करते हैं कि अपने थियोडोलाइट के जो लोअर पार्ट होता है उसको विद द हेल्प ऑफ नॉब या आप ये बोल दीजिए स्क्रू, हम लोग क्या करेंगे कि ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर उसको फिक्स करेंगे। तो ये पूरा पोजीशन क्या कहलाता है, सेटिंग अप कहलाता है, ठीक है, ये पूरा पोजीशन क्या कहलाता है, सेटिंग अप कहलाता है, ठीक है। तो सेटिंग अप करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग अप करने के बाद होता क्या है कि जब इंस्ट्रूमेंट हमारा ट्राइपॉड में अटैच हो गया तो हम उसको ले जाएंगे पर्टिकुलर ग्राउंड में, ग्राउंड में ले जाने के बाद उस पर्टिकुलर स्टेशन के पास ले जाएंगे, और स्टेशन के पास ले जाने के बाद जो हमारे लेग्स हैं उसको हम लोग ग्राउंड में फिक्स करेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेटिंग अप बोलते हैं, ठीक है। तो सेटिंग अप में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करते हैं ट्राइपॉड से, नेक्स्ट आपका हम क्या करते हैं कि फिक्स करने के बाद हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे कि उसको स्टेशन पे ले जाएंगे और ट्राइपॉड के लेग को अपना ग्राउंड में फिक्स करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है सेटिंग अप। नेक्स्ट जो हमारा टेम्पररी एडजस्टमेंट है वो है सेंटरिंग। अब हम अपने स्टेशन के पास ले गए, स्टेशन के जस्ट ऊपर, ठीक है, जो प्रोसेस पर्टिकुलर जो ग्राउंड स्टेशन है उसके ऊपर अपने इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करेंगे, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, सेंटरिंग कहलाता है, ठीक है। तो सेंटरिंग का प्रोसेस आप हम लोग बेसिकली उसमें लेवलिंग के केस में भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हम एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं सेंटरिंग होती क्या। सेंटरिंग क्या होता है कि जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट को अपने सेट करते हैं तो वहाँ पे प्लम्बॉब की हेल्प से वहाँ पे हुक लगा होता है, ट्राइपॉड के नीचे हुक लगा होता है, उसको हम लोग प्लम्बॉब से अटैच करते हैं और जो प्लम्बॉब होता है उसको देखते हैं कि वो हमारे स्टेशन के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है विद द हेल्प ऑफ हैंगिंग द प्लम्बॉब। प्लम्बॉब को हैंग करके हम लोग ये चेक करते हैं कि जो हमारा वो बेसिकली क्या बोलते हैं स्टेशन है वो आपके जो इस इंस्ट्रूमेंट है वो स्टेशन के ऊपर है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग प्लम्बॉब का यूज करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, सेंटरिंग कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है, लेवलिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस क्या है वो है लेवलिंग। लेवलिंग क्या होता है, तो लेवलिंग जैसे हम लोग आपका लेवलिंग आपका जो है लेवल इंस्ट्रूमेंट या डंपी लेवल को लेवल करते थे, सिमिलरली वही प्रोसेस होगा। हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी तीन स्क्रू होते हैं, 3 फुट स्क्रू होते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 फुट स्क्रू को रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, इनवर्ड या आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद टेलीस्कोप को परपेंडिकुलर करेंगे और जो सेकंड थर्ड स्क्रू होगा उसको हम लोग रोटेट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको लेवलिंग करेंगे और लेवलिंग चेक करने के लिए हमारे पास बबल ट्यूब, इस केस में भी थर्ड राइट के केस में भी क्या होता है, बबल ट्यूब होता है और उसको हम लोग चेक करेंगे कि वो सेंटरिंग है कि नहीं है। अगर बबल ट्यूब आपके उस बबल के सेंटर में है, बबल ट्यूब में वो बबल अगर सेंटर में है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा परफेक्ट लेवलिंग कहलाएगा। अगर नहीं है तो फिर वहां पे क्या होगा, चीजें हमको फिर से लेवलिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स। यहाँ पे एलिमिनेशन की स्पेलिंग गलत है, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये स्पेलिंग होगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको देखिए, ई एल आई एम आई एन ए टी आई ओ एन, एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स, ठीक है। तो एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स में हम दो चीजें देखते हैं, एक होता है फोकसिंग ऑफ आईपीस एंड फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स का मतलब यहाँ पे हुआ कि जो आईपीस या जो ऑब्जेक्टिव है उसको फोकस करना, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग लेवलिंग के केस में ही पढ़ चुके हैं, तो इसको आप लोग लेवलिंग के उससे देख लीजिएगा कि कैसे हम लोग लेवलिंग या आईपीस को फोकस करते हैं। होता क्या है कि आईपीस को फोकस करने के लिए हम क्या है, व्हाइट शीट ऑफ पेपर का यूज करते हैं और जो क्रॉस हेयर होता है उसको तब तक हम लोग रोटेट करते रहते हैं आईपीस को, जब तक क्रॉस हेयर हमारा क्लियरली हमको ना दिखे। तो ये होता है फोकसिंग ऑफ आईपीस। और फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम लोग बेसिकली स्टाफ को अपने सामने रखते हैं, इंस्ट्रूमेंट के सामने रखते हैं कुछ दूर पे और उसको फोकस करते हैं जब तक कि हमारी स्टाफ की रीडिंग सही से ना दिख जाए, ये हमारा होता है फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो सारी चीज समझ में आ गई, सेटिंग अप क्या होता है, सेंटरिंग क्या होता है, लेवलिंग क्या होता है,
फोकसिंग ऑफ आईपीस एंड फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये फाइव स्टेप्स थे हमारे टेम्पोरी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट के। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ हॉरिजेंटल एंगल्स। ठीक है, हॉरिजेंटल एंगल का मेजरमेंट हम लोग इन केस ऑफ थियोडोलाइट कैसे करेंगे। ठीक है, तो देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ मेजरिंग हॉरिजेंटल एंगल्स। ठीक है, हॉरिजेंटल एंगल मेजर करने के तीन मेथड्स हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल एंगल मेजर करने के हमारे पास तीन मेथड्स हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज जनरल मेथड। जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, जनरल मेथड है। सेकंड क्या है, रिपीटिशन मेथड। एंड थर्ड इज रिट्रेशन मेथड। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन तीनों मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे करते हैं, कैसे हम लोग फील्ड में हॉरिजेंटल एंगल का मेजरमेंट करेंगे। तो बेसिकली हॉरिजेंटल एंगल मेजर करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं, तीन मेथड्स हैं, जनरल मेथड, रिपीटिशन मेथड, रिट्रेशन मेथड। ठीक है, इन तीन मेथड्स को हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज जनरल मेथड। ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज जनरल मेथड। तो जनरल मेथड के केस में हम लोग कैसे हॉरिजेंटल एंगल मेजर करते हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस है, इनको वन बाय वन हम लोग देखेंगे और चेक करेंगे कि कैसे हम लोग इसको मेजर करते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करके, इन स्टेप्स को फॉलो करके प्रैक्टिकली हॉरिजेंटल एंगल फाइंड कर सकते हैं इन फील्ड। ठीक है, इन स्टेप्स को आप एक जगह नोट आउट कर लीजिए, नोट डाउन करने के बाद आप इसको प्रैक्टिकली अपने लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो टू मेजर द हॉरिजेंटल एंगल, टू मेजर हॉरिजेंटल एंगल ए ओ पी, जैसा फिगर में दिख रहा है, हमको क्या फाइंड करना है, ए ओ बी एंगल फाइंड करना है। ठीक है, हॉरिजेंटल एंगल जो है, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट स्टेप इज सेटअप द थियोडोलाइट एट स्टेशन ओ एंड लेवल इट एक्यूरेटली। हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को ओ पोजिशन पे ले जाएंगे, ओ पॉइंट पे ले जाएंगे और इसको लेवल करेंगे। मतलब जितने भी टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट्स हैं हमारे, सेटअप पहला क्या होगा, सेटिंग अप हो गया, फिर सेंटरिंग कर लेंगे, नेक्स्ट हमारा लेवलिंग करेंगे और पैरालेक्स रिमूव करेंगे। ये तीनों टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट हम लोग सबसे पहले करेंगे। ठीक है, नाउ द सेकेंड स्टेप इज सेट द वर्नियर ए टू 0 और 360 ऑफ द हॉरिजेंटल सर्कल, टाइटन द अपर क्लैंप। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ए वर्नियर होगा, वर्नियर ए, उसको क्या करेंगे, या तो 0 या तो 360 डिग्री ले जाएंगे, जो हॉरिजेंटल सर्कल होगा। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वर्नियर ए को, ठीक है, हॉरिजेंटल सर्कल के ऊपर क्या होगा, वर्नियर होता है ए, उसको या तो 0 या तो 360 डिग्री पे ले जाके अपर क्लैंप जो होता है उसको टाइट करेंगे। ठीक है, आप जब इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो वहां पे दो क्लैंप दिए होंगे, एक अपर क्लैंप और एक लोअर क्लैंप। तो अपर क्लैंप को हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप टाइट करेंगे। कब टाइट करना है, वर्नियर जो होगा हॉरिजेंटल सर्कल का, उसको या तो 0 या 360 डिग्री के पॉइंट पहुंचाएंगे हम लोग रोटेट करके और अपर क्लैंप को टाइट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज लूजन द लोअर क्लैंप। लोअर क्लैंप को हम लोग लूज कर देंगे, मतलब ढीला छोड़ देंगे। ठीक है, टर्न द इंस्ट्रूमेंट एंड डायरेक्ट द टेलीस्कोप टूवर्ड्स ए टू बाइसेक्ट इट एक्यूरेटली विद द यूज ऑफ टेंजेंट स्क्रू। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को टर्न करेंगे और जो टेलीस्कोप होगा जिसकी हेल्प से हम लोग रीडिंग लेंगे, उसको ए पॉइंट पे, जो हमारा ए पॉइंट है ग्राउंड स्टेशन पे, उसकी तरफ मूव करेंगे इस तरह कि वो आपका एक्यूरेटली उसको बाइसेक्ट या फिर देख सके, बाइसेक्ट इन द डिवाइड कर सके दो इक्वल पार्ट में। सपोज अगर वो ट्री है तो ट्री के मिडिल पार्ट में वो जाना चाहिए। ठीक है, आफ्टर बाइसेक्टिंग एक्यूरेटली चेक द रीडिंग विच मस्ट बी स्टिल रीड जीरो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि वो अगर बाइसेक्ट कर रहा होगा करेक्टली, उसके बाद भी हमारी जो रीडिंग आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। ठीक है, उस केस में भी हमारी जो रीडिंग आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। ठीक है, रीड द वर्नियर बी एंड रिकॉर्ड बोथ द रीडिंग्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब वर्नियर बी जो होगा उसको रीड करेंगे और दोनों रीडिंग्स को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है,
तो तीन स्टेप्स, पहले तीन स्टेप्स को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेशन ओ पे इंस्ट्रूमेंट ले जाएंगे और उसको लेवलिंग करेंगे अच्छे से, ठीक है, उसकी टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग ए, जो ए वर्नियर होगा, उसको जीरो पे करेंगे और 360 पे करेंगे, या तो जीरो या तो 360, और अपर क्लैंप को टाइट करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है कि लोअर क्लैंप को लूज करना है और इंस्ट्रूमेंट को टर्न करना है ए के डायरेक्शन में। ए जो हमारा एंगल है, ए जो हमारा पॉइंट है, स्टेशन पॉइंट है, उसकी तरफ। अब वो इस तरह से हम देखेंगे कि वो क्या करे कि बाइसेक्ट करे, उसको एग्जैक्ट बाइसेक्शन होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर बाइसेक्टिंग हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग वो हमारी जीरो होनी चाहिए अभी भी। उसके बाद हम लोग वर्नियर बी जो होगा उसको रीड करेंगे और उसकी रीडिंग्स को नोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज लूजन द अपर क्लैंप, ठीक है। फोर्थ स्टेप इज लूजन द अपर क्लैंप एंड टर्न द टेलीस्कोप क्लॉकवाइज अंटिल द लाइन ऑफ साइट बाइसेक्ट पॉइंट बी ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपर क्लैंप जिसको हम लोगों ने सेकेंड स्टेप में टाइट किया था उसको लूज करेंगे और टेलीस्कोप को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे बी की साइड, ठीक है। ए से हम लोग बी के साइड मूवमेंट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिससे कि वो पॉइंट बी को बाइसेक्ट करे जो हमारे राइट साइड में है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, टाइट करेंगे अपर क्लैंप को, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, देन टाइटन द अपर क्लैंप एंड बाइसेक्ट इट एक्यूरेटली बाय टर्निंग इट्स टेंजेंट स्क्रू, ठीक है। उसके बाद अपर क्लैंप को टाइट करेंगे और ऐसा बाइसेक्ट करेंगे कि वो अच्छे से बाइसेक्ट हो जाए, कोई भी उसमें कंफ्यूजन ना हो, बाय इट्स टेंजेंट स्क्रू, टेंजेंट स्क्रू की हेल्प से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज रीड बोथ वर्नियर्स, द रीडिंग ऑफ द वर्नियर ए विच वॉज इसेंशियली सेट एट जीरो गिव द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ पी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दोनों वर्नियर्स को रीड करेंगे और जो रीडिंग होगी, जो स्टार्ट में जीरो पे सेट थी, वो क्या देगी हमको, एंगल ए ओ बी का वैल्यू देगी, ठीक है, डायरेक्टली, एंड दैट ऑफ अदर वर्नियर बी बाय डिडक्टिंग 180 डिग्री, और जो वर्नियर बी होगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब वो एंगल हमको मिलेगा। द मीन ऑफ टू वर्नियर रीडिंग गिव्स द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड एंगल ए ओ बी, या फिर जो हमारा दोनों एंगल निकल के आ रहा ए पे और बी पे, वर्नियर ए पे और वर्नियर बी पे, उन दोनों की अगर हम एवरेज निकाल लेते हैं तो वो हमारा रिक्वायर्ड हॉरिजेंटल एंगल होगा, ठीक है, वो हमारा रिक्वायर्ड हॉरिजेंटल एंगल ए ओ बी होगा। नेक्स्ट स्टेप इज चेंज द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड रिपीट द होल प्रोसेस, हम लोग क्या करेंगे, फेस चेंज करेंगे, इंस्ट्रूमेंट का फेस चेंज करेंगे। फेस चेंज करना हम पहले बता दिया है कि फेस कैसे चेंज होता है, ठीक है, द और फिर हम उस प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। द मीन ऑफ द टू वर्नियर रीडिंग गिव द सेकेंड वैल्यू ऑफ द एंगल ए ओ बी विच शुड बी अप्रोक्सीमेटली और एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। फेस चेंज करने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, वैल्यूज को रिपीट, जो प्रोसेस था उसको रिपीट करेंगे और जो हमारी दोनों वर्नियर की रीडिंग आएगी उसका एवरेज लेने पे हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एंगल ए ओ बी। हो सकता हो कि वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो या फिर एग्जैक्टली इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। द मीन ऑफ द टू वैल्यूज ऑफ द एंगल ए ओ बी, वन विथ फेस लेफ्ट एंड अदर इज फेस राइट, गिव्स द रिक्वायर्ड एंगल फ्री फ्रॉम ऑल इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। अब होगा क्या कि जो दोनों वैल्यूज निकालें, हम लोग एक वैल्यूज निकालें फेस राइट, एक वैल्यू निकालें फेस लेफ्ट, ठीक है, जो दोनों की मीन वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी हॉरिजेंटल एंगल ए ओ बी की, जो हर तरह के एरर से फ्री होगा, मतलब एरर फ्री वैल्यू होगी, ठीक है। तो एक बार रिविजन कर लेते हैं, ये हमारा पूरा क्या था, जनरल मेथड था। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, सेटअप द थर्ड लाइट ओ स्टेशन पे, हम लोग क्या करेंगे स्टेशन थर्ड लाइट को सेटअप करेंगे और उसकी टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट करेंगे। टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट में सेटिंग अप, सेंटरिंग, लेवलिंग और एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स पेयर। उसके बाद क्या करेंगे, जो वर्नियर होगा, दो वर्नियर स्केल होते हैं हमारे पास, तो एक वर्नियर स्केल को जीरो पे पुट करेंगे और जो अपर क्लैंप होगा उसको टाइट करेंगे। हॉरिजेंटल सर्किल के वर्नियर ए को हम लोग
जीरो पुट करेंगे और उसके अपर क्लैंप को टाइट करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि लोअर क्लैंप होगा उसको लूज करेंगे, लूजन करेंगे मतलब ढीला छोड़ देंगे, और टेलीस्कोप को मूव करेंगे ए के डायरेक्शन में, जो हमारा ए स्टेशन होगा उसके डायरेक्शन में हम लोग मूव करेंगे, और ऐसा मूव करेंगे कि वो एग्जैक्टली बाइसेक्ट करे, ठीक है। और इसके बाद भी हमारी जो रीडिंग आएगी वो क्या होगी, जीरो होगी, वो रीडिंग हमारी जीरो होनी चाहिए या फिर हम उसको सेट करेंगे जीरो पे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, बी की रीडिंग को देखेंगे, जो हमारी वर्नियर बी है उसकी रीडिंग को रीड करेंगे और दोनों रीडिंग को हम एक पर्टिकुलर जगह रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो क्या आता है, हम लोग अपर क्लैंप को लूज करेंगे और टेलीस्कोप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बी के साइड मूव करेंगे, जो बी स्टेशन है उसके साइड हम लोग मूव करेंगे और अपर क्लैंप को फिर टाइट करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या किए, अपर क्लैंप को लूज किए, टेलीस्कोप को मूव किए, फिर हम लोग अपर क्लैंप को टाइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोनों रीडिंग्स को हम लोग नोट करेंगे, दोनों वर्नियर की रीडिंग को हम लोग अच्छे से क्या करेंगे, रीड करेंगे। वो जो वैल्यू होगी, वो वैल्यू ए पे जो वैल्यू होगी, वर्नियर ए पे जो वैल्यू होगी, एंगल ए ओ बी की एग्जैक्ट वैल्यू देगी, ठीक है। वर्नियर बी पे जो रीडिंग देगी उसमें से 180 डिग्री हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो जो एंगल आएगा वो एंगल ए ओ बी होगा, ठीक है। इस तरीके से हमको क्या हो जाएगा, दो वैल्यूज मिल गई, दोनों वैल्यूज का क्या करेंगे हम लोग, मीन निकाल लेंगे, वो दोनों वैल्यू की जो एवरेज आएगा वो हमारा क्या बताएगा, एंगल ए ओ बी बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, फिर हम लोग सपोज ये हम लोग फेस लेफ्ट से लिए, जो भी रीडिंग लिए हम लोग फेस लेफ्ट से लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, फेस चेंज करेंगे, फेस चेंज करेंगे और जो भी शुरू से 1 से लेके 5 स्टेप्स थे उनको फिर से हम रिपीट करेंगे तो हमारे पास एक और वैल्यू आएगी, ठीक है, ए ओ बी की। वो वैल्यू हो भी सकती है कि एग्जैक्ट उसके इक्वल हो या फिर अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल हो। अब जो फिफ्थ स्टेप में वैल्यू मिली और जो सिक्स स्टेप में वैल्यू मिली, इन दोनों वैल्यू को हम लोग फिर से एवरेज लेंगे और ये वैल्यू क्या होगी, हमारी एरर फ्री वैल्यू होगी एंगल ए ओ बी की, ठीक है। तो ये 7 स्टेप्स हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं हॉरिजेंटल एंगल्स के मेजरमेंट में। जो फर्स्ट मेथड था जनरल मेथड, जनरल मेथड से अगर हमको हॉरिजेंटल एंगल मेजर करना है तो ये 7 स्टेप्स हमको फॉलो करना होता है, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है या नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो मेथड क्या है, रिपीटिशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड करने का वो क्या है, रिपीटिशन मेथड, ठीक है। तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर वेरी एक्यूरेट वर्क, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग एक्यूरेट वर्क या एक्यूरेट एंगल फाइंड करने के लिए निकालते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड द सेम एंगल इज added several times mechanically and the correct value of angle is obtained by dividing the accumulated reading by number of repetition, ठीक है। तो repetition method को हम लोग use करते हैं accurate value या accurate reading के लिए। इस particular method में होता क्या है कि जो same angle होता है, एक ही angle को हम लोग कई times repetitive times निकालते हैं, 3 बार 4 बार उस particular को निकाले, जो वैल्यू आई फाइनल, मान लीजिए 5 बार निकाले तो 5ों की वैल्यू लेंगे और उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लेते हैं वो एंगल ए ओ बी की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारा इस मेथड का जो बेसिक प्रिंसिपल था, ठीक है। द नंबर ऑफ रिपीटिशन मेड यूजुअली इन दिस मेथड इज 6, 3 विथ फेस लेफ्ट एंड 3 विथ फेस राइट, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ रिपीटिशन होता है वो क्या होता है कि दोनों फेस के साथ, फेस लेफ्ट या फेस राइट के साथ इक्वल होता है। जैसे 6 रिपीटिशन हम लोग लगा रहे हैं, 6 रिपीटिशन हम लोग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो 3 फेस लेफ्ट से फाइंड करेंगे, 3 फेस राइट से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 3 फेस लेफ्ट से फाइंड किया, 3 फेस राइट से फाइंड किया और उसको हम लोग क्या करेंगे, एड अप करके 6 से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमारी एंगल ए ओ बी या हॉरिजॉन्टल एंगल की वैल्यू होगी, ठीक है। इन दिस वे एंगल्स कैन बी मेजर्ड टू अ फाइनल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी दैट ऑब्टेन्ड विद लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि हमारा जो एक्यूरेसी होगा एंगल का वो ज्यादा होगा, ठीक है, जैसा कि हम लोग वर्नियर के केस में फाइंड करते हैं, ठीक है। जितना हमारा वर्नियर का लीस्ट काउंट अच्छा होगा उतनी ज्यादा हमारी एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा
था बेसिकली रिपीटिशन मेथड। अब हम रिपीटिशन मेथड में कैसे एंगल फाइंड करते हैं उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल बाय रिपीटिशन द फॉलोइंग स्टेप कैन बी फॉलोड। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज सेट अप द थ्रेडोलाइट एट स्टार्टिंग पॉइंट ओ एंड लेवल इट एक्यूरेटली। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, थ्रेडोलाइट को ओ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ओ पे ले जाएंगे और उसको अच्छे से लेवल करेंगे, एक्यूरेटली लेवल करेंगे। जो हमारी टेम्पररी एडजस्टमेंट है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये स्टेप्स कॉमन है सारे के लिए। ठीक है, मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल एओबी। अब हम लोग कैसे एंगल एओबी फाइंड करेंगे इसको देखते हैं। ठीक है, तो लूजन द लोअर क्लैंप एंड टर्न द टेलीस्कोप क्लॉक वाइज अंटिल द ऑब्जेक्ट ए इज साइटेड अगेन। ठीक है, हम क्या करेंगे कि लोअर क्लैंप को लूजन करेंगे और टेलीस्कोप को एंटी क्लॉक वाइज अंटिल द ऑब्जेक्ट साइटेड ए अगेन। ठीक है, तो जो सेकेंड स्टेप था, जो हॉरिजॉन्टल एंगल ए ओ बी फाइंड करना था, वो हम लोग जनरल मेथड से फाइंड कर लेंगे। जनरल मेथड अभी इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कैसे हम लोग ए ओ बी फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले ए के साइड ले जाएंगे, ए से क्या करेंगे अपर क्लैंप को टाइट करेंगे, फिर लोअर क्लैंप को लूज करके ए पे फिक्स करेंगे, फिर हम लोग क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे टेलीस्कोप को बी के साइड ले जाके, फिर वो एंगल मेजरमेंट करते हैं मीन निकाल के। ठीक है, तो वो जो सेकेंड स्टेप बोला है मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल ए ओ बी, वो हम लोग जनरल मेथड से वो फाइंड कर लेंगे। एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप हम लोग जनरल मेथड से करेंगे। अब उसी प्रोसेस को, उसी जनरल मेथड को हम लोग को कैसे रिपीट करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो जो थर्ड क्या है, लूजन द लोअर क्लैंप एंड टर्न द टेलीस्कोप क्लॉक वाइज अंटिल द ऑब्जेक्ट ए इज साइटेड अगेन। हम लोग क्या करेंगे, लोअर क्लैंप को लूज करेंगे और जो टेलीस्कोप होगा उसको क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे, तब तक रोटेट करेंगे जब तक वो फिर से ए पॉइंट पे ना आ जाए, मतलब ए जो स्टेशन था वो फिर से हमको दिखने ना लगे। ठीक है, बाइसेक्ट बी एक्यूरेटली बाय यूजिंग द अपर टेंजेंट स्क्रू। जो अपर टेंजेंट स्क्रू होता है उसकी हेल्प से हम लोग बी को फिर से बाइसेक्ट करेंगे। द वर्नियर विल नाउ रीड ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द एंगल नाउ। ठीक है, अब जो वर्नियर होगा वो क्या बताएगा, जो हम एंगल मेजर किए थे उसकी डबल वैल्यू बताएगी। क्यों डबल वैल्यू बताएगी, क्योंकि हमने उसको क्लॉकवाइज ही रोटेट किया, तो बी के जाने के बाद अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये पूरी एंगल, अगर बी पे जाके अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये पूरी एंगल फिर से यहाँ आएगी। ठीक है, और यहाँ से फिर हम यहाँ जा रहे हैं, तो मतलब ये वैल्यू कितनी बार हो गई, दो बार रिपीट हो गए। ठीक है, नाउ रिपीट द प्रोसेस अंटिल द एंगल इज रिपीटेड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग रिपीट करते जाएंगे जब तक हम लोग को एक पर्टिकुलर फेस से वैल्यू ना मिल जाए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक फेस से तीन रीडिंग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूजुअली लिखा हुआ है यूजुअली 3, रीड अगेन बोथ वर्नियर। फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों वर्नियर्स को रिपीट रीड करेंगे। द फाइनल रीडिंग आफ्टर एन रिपीटेशन शुड बी अप्रोक्सीमेटली एन एक्स एंगल। ठीक है, एन इंटू एंगल, तो जो फाइनल रीडिंग होगी एन, जैसे हम तीन रिपीटेशन किए तो जो फाइनल एंगल हमको मिलेगा 3 इंटू एंगल, सपोज 100 डिग्री एंगल मिला ए ओ बी, तो जो अगर तीन रिपीटेशन करेंगे तो हमारे पास एंगल कितना आएगा, 300, कितना आएगा 3 इंटू 100 डिग्री, तो वो कितना हो जाएगा 300 डिग्री। ठीक है, डिवाइड द सम बाय द नंबर ऑफ रिपीटेशन एंड द रिजल्ट दस ऑप्टेड गिव द करेक्ट वैल्यू ऑफ द एंगल ए ओ बी। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो हमारा रिपीटेशन है उसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिपीटेशन से डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमारी जो रीडिंग आई एन इंटू एंगल आई, एन इंटू आपकी 100 आई, तो वो क्या हो गया 300 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा, जो हमारी करेक्ट वैल्यू होगी एंगल ए ओ बी की। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिमिलरली हम लोग फिर से फेस चेंज करेंगे। अभी तक हम लोग लेफ्ट से किया, अब हम लोग राइट से करेंगे। ठीक है, तो चेंज द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, रिपीट एग्जैक्टली इन द सेम मैनर एंड फाइंड अनदर वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ बी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फेस चेंज करेंगे और सारे प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे और एंगल ए ओ बी फाइंड करेंगे। ठीक है, और जो दोनों रीडिंग्स होंगी वो क्या प्रिसाइज वैल्यू देंगी ए ओ बी की, जो जनरल मेथड में किए थे वही प्रोसेस यहाँ पे फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, तो द एवरेज ऑफ टू रीडिंग गिव्स द रिक्वायर्ड प्रिसाइज वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ बी। ठीक है,
तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रिपीटिशन मेथड में हम लोग फाइंड करते हैं। तो एक बार और पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ओ पे ले गए, इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया, उसकी टेम्पोररी एडजस्टमेंट किया। फिर जनरल मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए ओ बी फाइंड करेंगे, जो स्टेप था जनरल मेथड में उसकी हेल्प लेंगे और ए ओ बी फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ए ओ बी हमको मिल गया, फर्स्ट स्टेप में ए ओ बी मिल गया 70 डिग्री। फिर हम क्या करेंगे, लोअर क्लैंप को लूज करेंगे और फिर ए पे आएंगे, फिर एंगल ए ओ बी मेजर करेंगे। इस तरीके से एक पर्टिकुलर फेस से, एक फेस से हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यूज को 3 बार रिपीट करेंगे, ठीक है। फिर जब सेकेंड फेस आएगा तो उसको हम लोग फेस राइट से सपोज, फिर हम लोग 3 बार वैल्यू निकालेंगे और उन सबका जो एवरेज वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, एंगल ए ओ बी इन केस ऑफ रिपीटिशन मेथड। इसको रिपीटिशन मेथड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि बार बार वो चीज़ें हम लोग एंगल बार बार मेजर कर रहे हैं या बार बार रिपीट करके निकाल रहे हैं वैल्यू, तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी, हमारी रिपीटिशन वैल्यू कहलाएगी या रिपीटिशन मेथड कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो क्या है, रिट्रेशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है रिट्रेशन मेथड। ठीक है, तो दिस मेथड इज अनदर प्रिसाइज एंड कंपैरेटिवली लेस टेडियस मेथड ऑफ मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल एंगल। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने मेथड पढ़ा वो कैसा मेथड था, एक्यूरेट तो था, रिपीटिशन मेथड एक्यूरेट था, लेकिन क्या था, नंबर ऑफ रिपीटिशन पे डिपेंड करता था। हो सकता होता कि हम लोग रिपीटिशन किए, भूल गए कि कितने रिपीटिशन किए, 3 की जगह हो गया 4 ले लिए, तो वो क्या था कि हमको वैल्यूज ज्यादा करनी थी, मतलब वर्क ज्यादा करना था। ठीक है, तो जो रिट्रेशन मेथड है वो क्या, एक्यूरेट है और लेस वर्क है, मतलब इसमें जो वर्क करना है वो हमारा कम करना है एज कंपेयर टू रिपीटिशन मेथड। ठीक है, इट इज जनरली रिफर्ड व्हेन सेवरल एंगल्स आर टू बी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर स्टेशन। ठीक है, इस मेथड को हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कई ढेर सारे एंगल निकालना हो। जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे कि एक पर्टिकुलर ओ स्टेशन पे हमारे पास 4 एंगल्स बने हुए हैं, तो इस अगर तरह के हमारे पास एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं तो इस तरह के एंगल्स को हमको फाउंड आउट करने के लिए हम क्या करें, रिट्रेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दिस मेथड कंसिस्ट इन मेजरिंग सेवरल एंगल्स सक्सेसिवली एंड फाइनली क्लोजिंग द हॉरिजन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इस पर्टिकुलर केस में होता क्या है कि एक साथ सारे एंगल्स होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट से सारे एंगल हम लोग मेजर करते हैं और लास्ट में फिर वहीं पे ले जाके हम लोग एंड करते हैं। ठीक है, वही चीज लिखा गया है, दिस मेथड कंसिस्ट इन मेजरिंग सेवरल एंगल सक्सेसिवली एंड फाइनली क्लोजिंग द हॉरिजन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया एंगल मेजर करना वहां पे ले जाके हम लोग एंड करते हैं, मतलब एक पूरी 360 डिग्री का एंगल हम लोग बनाते हैं। ठीक है, द फाइनल, नेक्स्ट इज द फाइनल रीडिंग ऑफ द वर्नियर ए शुड बी सेम एज इट्स इनिशियल रीडिंग। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जहां से स्टार्ट करें वहां खत्म की, और इसका ये मतलब हुआ कि जो रीडिंग हमारी ए पे थी स्टार्टिंग में, वही रीडिंग हमारी फाइनल रीडिंग भी होती है। मतलब स्टार्टिंग रीडिंग ए की और फाइनल रीडिंग ए की वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, इफ नॉट द डिस्क्रिपेंसी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द मेजर्ड एंगल। अगर ऐसा नहीं होता है, सपोज हम लोगों ने 0 डिग्री से स्टार्ट किया और हमको लास्ट में जाके क्या हो रहा है, 1 वैल्यू मिल रही है, 1 डिग्री मिल रहा है, तो मतलब कोई एरर हुआ, तो इस एरर को हम लोग क्या करेंगे, सारे एंगल में डिवाइड कर देते हैं। सपोज इस केस में उन्होंने 4 एंगल मेजर किया, हमारा आया 1 डिग्री लास्ट में, तो हम क्या करेंगे, 1/4 कर देंगे, मतलब 25 मिनट सारे में हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इक्वली एड अप कर देंगे। ये हमारा रिट्रेशन मेथड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब कैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसीजर्स, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स व्हिच शुड बी फॉलो इन केस ऑफ रिट्रेशन मेथड, कि रिट्रेशन मेथड में कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, तो सपोज इट इज रिक्वायर्ड टू मेजर एंगल ए ओ बी, बी ओ सी एंड सी ओ डी। सपोज हमको एंगल क्या फाइंड करना है, ए ओ बी फाइंड करना है, बी ओ सी फाइंड करना है और BOC फाइंड करना है और COD फाइंड करना है। यहाँ पे
फिगर में थोड़ी सी एरर है, इसको ध्यान देना। देन टू मेजर दिस एंगल बाय रिपीटिशन मेथड और रिट्रेशन मेथड। ये रिट्रेशन मेथड है, नॉट रिपीटिशन मेथड, इट इज रिट्रेशन मेथड। ये यहाँ पे नहीं होगा, ये रिट्रेशन मेथड है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग स्टेप्स क्या क्या हैं। सेटअप द इंस्ट्रूमेंट ओवर स्टेशन पॉइंट ओ एंड लेवल इट एक्यूरेटली। हम लोग क्या करेंगे, स्टेशन को क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को ओ के ऊपर पोजीशन करेंगे और लेवल इट करेंगे। ये सारे स्टेप्स कॉमन है, पहला स्टेप। नेक्स्ट, डायरेक्ट द टेलीस्कोप टुवर्ड पॉइंट ए विच इज नोन एज रेफरिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ए के तरफ टेलीस्कोप को ले जाएंगे, जिसको हम लोग रेफरिंग ऑब्जेक्ट के नाम से जानेंगे, मतलब वहां से हम लोग एंगल मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बाइसेक्ट इट एक्यूरेटली एंड चेक द रीडिंग ऑफ वर्नियर एज 0 degree और 360 degree। हम लोग उसको क्या करेंगे, अच्छे से उस पोजीशन पे फिक्स करेंगे और अपनी जो रीडिंग होगी वर्नियर को, उसको या तो 0 degree पे फिक्स करेंगे या फिर 360 degree पे फिक्स करेंगे, या तो 0 या 360 degree, ठीक है। Loosen the lower clamp and turn the telescope clockwise to sight B exactly, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, लोअर क्लैंप को लूज करेंगे और टेलीस्कोप को मूव करेंगे बी के साइड में, ठीक है। ए पे था टेलीस्कोप, उसको लोअर क्लैंप को लूज करके बी के साइड हम लोग ले जाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि हम लोग बी को एग्जैक्टली देख सकते हैं, ठीक है। रीड द वर्नियर अगेन एंड द मीन रीडिंग विल गिव द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ बी, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब वैल्यू को रीड करेंगे ए की और बी की, वर्नियर ए पे जो रीडिंग होगी उसको और वर्नियर बी पे जो रीडिंग आई उसको, दोनों की मीन वैल्यू ले लेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा एंगल ए ओ बी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली बाइसेक्ट सी एंड डी सक्सेसिवली, रीड बोथ रीडिंग बोथ वर्नियर एट ईच बाइसेक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी ओ सी एंड सी ओ डी, ठीक है। सिमिलरली हम बी से आएंगे सी पे, सी से आएंगे डी पे और सारी वैल्यूज को देख के मीन वैल्यू एंगल बी ओ सी निकाल लेंगे और सी ओ डी निकाल लेंगे, ठीक है। फाइनली क्लोज द होरिजन बाय साइटिंग टुवर्ड्स द रेफरिंग ऑब्जेक्ट पॉइंट ए, ठीक है। अब सी के बाद हम लोग फिर से एंगल ए को देखेंगे और उस पर्टिकुलर 360 डिग्री बनाएंगे, ठीक है, क्लोज करेंगे उस पर्टिकुलर साइटिंग को, ठीक है। नाउ द वर्नियर ए शुड नाउ रीड 360 डिग्री। अब क्या है, जब वर्नियर ए होगा, अगर हम उसको जीरो पे फिक्स किए थे तो वो 360 डिग्री वैल्यू शो करनी चाहिए, ठीक है। इफ नॉट नोट डाउन द एरर, दिस एरर ऑकर्स ड्यू टू स्लिप एटसेट्रा, ठीक है। अगर ये 360 डिग्री नहीं कर रहा है तो उस वैल्यू को या उस एरर को हम लोग नोट डाउन करेंगे, और ये एरर क्यों हो सकता है, स्लिप के नाते हो सकता है, या वैल्यू जो हम लोग मूव कर रहे हैं वो मूवमेंट क्या हो सकती है, थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, या स्लिप की वजह से हमारा जो एरर आएगा, ठीक है। इफ द एरर इज नेक्स्ट, इफ द एरर इज स्मॉल इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सेवरल एंगल। अगर जो एरर है वो आपका स्मॉल है तो हम उसको इक्वली डिवाइड कर देंगे। इफ लार्ज द रीडिंग शुड बी डिस्कार्डेड एंड अ न्यू सेट ऑफ रीडिंग बी टेकन। अगर लार्ज है, जो एरर है वो हमारा लार्ज है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि डिस्कार्ड करेंगे और फिर से, मतलब उस पूरी रीडिंग को नेग्लेक्ट करेंगे और फिर से हम लोग रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो रिपीटिशन रिट्रेशन मेथड समझ में आ गया, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले ओ स्टेशन पे ले गए हम लोग, इंस्ट्रूमेंट सेटअप किए, फिर सेंटरिंग किए, फिर लेवलिंग किए, फिर एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स, पैरालैक्स एलिमिनेशन किए, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग टेलीस्कोप पे ए के पास ले जाएंगे और उसको हम लोग रेफरिंग ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, और वर्नियर ए पे जो रीडिंग होगी उसको 0 degree या 360 degree पे फिक्स करेंगे। उसके बाद हम लोग टेलीस्कोप के जो लोअर क्लैंप होगा उसको लूज करेंगे और उसको मूव करेंगे बी के डायरेक्शन में, बी से सेट हो जाएगा। ए पे रीडिंग और बी की रीडिंग को मीन लेंगे तो वहां से हमको एंगल मिल जाएगा, एंगल ए ओ बी, ठीक है। अब सिमिलरली उसी तरह हम लोग एंगल सी और एंगल डी फाइंड करेंगे, एंगल बी ओ सी और एंगल सी ओ डी फाइंड करेंगे, ठीक है। सारे एंगल मिल गए, फिर हम लोग क्या करेंगे, एंगल को फिर से हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हुए ए पे ले जाएंगे, जो हमारा रेफरिंग ऑब्जेक्ट था। वहां पे हम लोग वैल्यू देखेंगे कि अगर 0 degree पे था तो हमारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए,
360 डिग्री आनी चाहिए। 360 डिग्री आ रहा है तो मतलब कोई एरर नहीं है। अगर 360 डिग्री नहीं आ रहा है तो जो एरर आएगा, डिफरेंस आएगा, सपोज 1 डिग्री 2 डिग्री आ रहा है, तो वो उसको हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। ये एरर क्यों हो सकता है, स्लिप की वजह से ये एरर हो सकता है। अब क्या करेंगे, अगर ये एरर स्मॉल है, ठीक है, तो इसको इक्वली डिवाइड कर देंगे। सपोज अगर 1 डिग्री है या 2 डिग्री है तो डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, जो भी एंगल हम लोग जितने एंगल मेजर किए। अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को निगलेक्ट कर देंगे और फिर से ये रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा स्टेप्स था हॉरिजेंटल एंगल का, कि कैसे हम लोग हॉरिजेंटल एंगल मेजर करते हैं, ठीक है। तो हॉरिजेंटल एंगल मेजर करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, एक जनरल मेथड, एक रिपीटेशन मेथड और एक रिट्रेशन मेथड, ओके। तो आज के लेक्चर में हम लोग हॉरिजेंटल एंगल तक ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट देखेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं, ठीक है क्लास, ओके।